नमस्कार, एमएचएन न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू। जालंधर का रहने वाला एक युवक सऊदी अरब में फंसा हुआ है, जो वतन वापस आने की गुहार लगा रहा है। जालंधर के रहने वाले जॉली के परिजनों का कहना है कि वो सऊदी अरब की जिस कंपनी में नौकरी करता है, वो कंपनी उसे ना तो ठीक से खाना दे रही है और ना ही वेतन। परिजनों ने जॉली की घर वापसी के लिए मदद की गुहार लगाई है। जालंधर का रहने वाला जॉली बड़ी उम्मीदों के साथ विदेश गया था। उसका सपना था कि वो विदेश में नौकरी करेगा और परिवार की आर्थिक हालत सुधार देगा। लेकिन अब 2 साल बाद जॉली घर वापस आने की गुहार लगा रहा है। वो सऊदी अरब में मुश्किल हालातों का सामना कर रहा है। जिस कंपनी में जॉली काम करता है, वो कंपनी अब ना तो उसे खाना दे रही है, ना ही पानी। जॉली की माँ अब गुहार लगा रही है कि किसी तरह उनके बेटे को वापस लाया जाए। जॉली की मां का कहना है कि उसका पासपोर्ट भी उसके पास नहीं है, जिसके चलते वो वापस नहीं आ पा रहा। सऊदी अरब गया हुआ, कंपनी ने ना तो रोटी दी, खाली कोक दे केन चुक चुक के सारा अपना टाइम पास कर रहा हो। मुंह बन के कि मैं कोई देख ना लवे, कि मैंने कोई कवे ना भी कोक चुकदा केन चुकदा पिया है। सानू तो सिर्फ 15-16 हज़ार रुपया उन्हें भेजा, बाकी सानू नहीं पता। कंपनी वाले ने कि तो रोटी भी नहीं देंगे, असं कहें मम्मी रोटी भी नहीं दे रहे, रोटी तो बहुत दूर है, पानी भी असं कहें मतलब असं दूजे तीजे दिन सानू पानी मिलता। इन्नी गर्मी होने के बावजूद भी उन्होंने पानी रोटी नहीं दे रहे, सर उधर की हालात है। इस मामले में जॉली के परिजनों ने उसे विदेश भेजने वाले एजेंट पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि एजेंट ने उसे विदेश भेजने और नौकरी दिलाने के लिए 85,000 रुपए लिए थे, लेकिन उसके बाद से ही एजेंट वहां से गायब हो गया और 2 साल से उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। सारे इधरों का साढ़े को 80-90 हज़ार रुपया लिया उन्होंने, और उस तो बाद एजेंट के नाल कभी गल हुई कभी रात कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। दफ्तर चौके दौड़ गए तो असि संपर्क किधर नाल कर दे। सऊदी अरब में फंसा देश का एक बेटा वापस आने की गुहार लगा रहा है, तो वहीं उसकी मां भी अपने लाडले को वापस भारत लाने के लिए सरकार से मदद मांग रही है और अपने बेटे के वापस लौट आने का इंतजार कर रही है। MH1 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जालंधर से देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।